अगर आप किसी गर्ल के पेरेंट हैं और आपको नहीं पता है कि आपको आपके होने वाले जवाई से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है अभिषेक शेखावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एब्सोल्यूट अभी का यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं फैशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल और हमारी स्पेनिश क्लास के बारे में। और आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक मेरी फॉलोअर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए जिसमें जो गर्ल के जो पेरेंट्स हैं वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने होने वाले जवाई से। तो ये क्वेश्चंस, वैसे तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो एटलीस्ट आपको पूछने ही पूछने चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और हम बात करेंगे उन फाइव क्वेश्चंस की जो आपको पूछने चाहिए आपके होने वाले जवाई से। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अरेंज मैरिज। ये हर पेरेंट को पूछना चाहिए अपने होने वाले जवाई से कि वो अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना वो बहुत ही एडवांस, बहुत ही मॉडर्न सोच रखती है। तो हो सकता है जो वो बंदा है उसके पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके वो कुछ अरेंज मैरिज कर रहा है। तो आप प्लीज़ उससे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लें कि उसकी ओपिनियन क्या है अबाउट अरेंज मैरिज। क्वेश्चन नंबर टू, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वो बंदा शादी के लिए तैयार है या नहीं। अगेन, यहाँ पे जो उस बंदे के जो पेरेंट्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके तो वो शादी के लिए हाँ नहीं भर रहा। देखिए, उस क्वेश्चन का आंसर वो बंदा पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होके आया होगा, बट ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट पूछने चाहिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डू यू कंसिडर योर सेल्फ ए ट्रेडिशनल पर्सन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी, फॉर एग्जांपल आपने किसी एनआरआई बंदे को पसंद किया जो कि आपकी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। अब आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या वो एक ट्रेडिशनल पर्सन है या नहीं, उनकी जो सोच है वो कैसी है, वो ट्रेडिशनल है या वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सोच रखते हैं। तो ये जो उनका जो माइंडसेट है ना, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप एक ट्रेडिशनल जवाई को ढूंढ रहे हैं बट वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सोच रखता हो, वो बाहर अब्रॉड में पढ़ाई करके आया हो या किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करता हो, अच्छी पोस्ट पर हो, तो हो सकता है उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट या आपकी बेटी का माइंडसेट थोड़ा सा मिसमैच कर जाए। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। देखिए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बोलना, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बोलेंगे तो वो बंदा आपको पता ही है क्या आंसर देगा। आपको इसे एक घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछना है कि उस बंदे के, उसके खुद के पेरेंट्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि वो आप लोगों का कितना मान सम्मान करेगा फ्यूचर में। ऑल्दो मैंने आपसे बोला ना, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो वो साफ साफ इसका आंसर यही देगा कि बहुत अच्छे रिलेशन है, बट इसे थोड़ा घुमा फिरा के आपको पूछना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो आपको उस वे में बता देगा, और अगर अच्छे हैं तो आपको दूसरे वे में बता देगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप घुमा के उससे पूछें। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेपरेशन और डाइवोर्स। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लगे, बट ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सामने वाले की मेंटेलिटी पता लगेगी कि वो डाइवोर्स या सेपरेशन को डिफेंड करता है या ये बोलता है कि ये तो हमारे ट्रेडिशन में होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी, अगेन, इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन। आप प्लीज़ इसे भी थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछें और उसके आंसर से आप जज करें कि ये बंदा आपकी बेटी के लिए सुटेबल है या नहीं। तो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अगर ये हेल्पफुल लगता है आपको तो प्लीज़ डू शेयर
विद अदर पेरेंट्स, ताकि वो ये वीडियो देखकर भी समझ जाएं कि उन्हें किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो मुझे और बनाने चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल absolute.abhi पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अदियोस।